हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग। तो मैंने 60 सेंटीमीटर फैब्रिक ले लिया है और यह है फुल मेजरमेंट। तो फैब्रिक को मैंने टू फोल्ड कर दिया है, टू फोल्ड रखते हुए कट करना है। तो फर्स्ट कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ है 15 इंच, आप लोग हाइट के अनुसार लेंथ ले सकती है। और शोल्डर है 5.5 इंच, ये डीप नेक होगा इसलिए 5.5 शोल्डर ले लिया। और आर्म होल है 6 इंच और चेस्ट 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो बड़ा भी कर सकती हूँ खुल के, इसलिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अभी इस तरह से मार्किंग कर दूँगी और आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच इस तरह से ले लूँगी और जो आर्म होल है उसको मिडिल से गुलाई का शेप दे दूंगी। और नेक विथ है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई है 2.5 इंच और फ्रंट नेक है 6 इंच। फ्रंट नेक डीप पे है 6 इंच, तो इसमें गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो डिजाइन भी कर सकती हैं। और ऊपर से नीचे तक टैक्स पॉइंट मैंने दिया है 11 इंच पे, मतलब 11 इंच पे। और ये साइड में 3.5 में एक मार्किंग कर दिया। अभी नीचे से भी 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी ये दोनों मार्किंग को इस तरह से जुड़ देना है, मतलब मार्क कर देना है। अभी नीचे से और 1.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया। अभी ऊपर तक 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी जो प्रिंसेस कट का शेप है इस तरह से शेप देना है। और जो मैंने 1.5 इंच लिया है वो तो कट करके फेंक दूंगी, तो एक्स्ट्रा और 1.5 इंच मैंने ले लूंगी। इस साइड से 1.5 इंच ले लिया, 1.5 इंच। तो अभी उसको इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये साइड से नीचे से 1/2 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी। अभी ये साइड में इस तरह से शेप दे दूंगी। अभी हो गया, अभी कर रही हूँ कटिंग। और मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत सारी ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग का वीडियो है, आप लोग सीखना चाहती है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकती है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इस तरह से जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग भी कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से कटिंग करना है। तो मेरा फ्रंट पार्ट कटिंग करना हो गया है। अभी कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को टू फोल्ड में रखना है, तो मैंने टू फोल्ड में रख दिया है बैक पार्ट को। अभी बैक पार्ट का जो लेंथ है वो है 14.5 इंच लेंथ। अभी इस तरह से एक मार्क कर दूंगी और शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 6 इंच और चेस्ट है 9 इंच। एक्स्ट्रा ले लूंगी 2 इंच। अभी इस तरह से मार्क कर दूंगी। और जो आर्म होल गुलाई है उसके लिए इस साइड से 1.5 इंच ले लिया। अभी आर्म होल मिडिल से गुलाई का शेप दे देना है। और नेक विड्थ है 2.5 इंच और नेक का डीप आप लोग जितना चाहे उतना दे सकती हैं। तो मैंने 10.5 इंच दिया है नेक का डीप और आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिजाइन भी कर सकती हैं, तो मैंने सिंपल ही रखा। अभी कटिंग भी कर रही हूँ। तो मेरा बैक पार्ट भी कटिंग करना हो गया है, आप लोग देख सकती हो। अभी मैं कटिंग करूंगी स्लीव। तो स्लीव के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लूंगी और पहले बैक साइड से आर्म होल की मेजरमेंट ले लूंगी। तो मेजरमेंट हुआ है 9.5 इंच। तो 4 फोल्ड में इस तरह से 9.5 इंच में रख देना है और 3.5 में ऊपर से नीचे तक और एक मार्क कर देना है। और जो मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच।
और जो 3.5 इंच में दिया था उसको इस तरह से मार्क कर दिया और ये साइड से 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी इस तरह से मार्किंग को जोड़ लेना है। अभी ऊपर से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर लेना है। अभी ये दोनों मार्किंग को एक साथ जोड़ देना है, जोड़ लेना है। अभी जो स्लीव का इस तरह से गुलाई का शेप दे देना है। अभी ये जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का गैप है वो हाफ इंच होना चाहिए। तो मेरा स्लीव मार्किंग करना हो गया। अभी स्लीव को कटिंग करूँगी और फ्रंट साइड में ज़्यादा काट होती है ना, हाफ इंच अंदर रखते हुए मैंने कट कर दिया फ्रंट साइड में स्लीव को। और जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक में। तो मेन जो फैब्रिक है उसको भी टू फोल्ड करते हुए रख कर कट करना है। तो फैब्रिक को टू फोल्ड कर दिया। अभी उसके ऊपर एक एक पार्ट इस तरह से रखते हुए उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने एक एक पार्ट अच्छी तरह से रख दिया और मेन फैब्रिक थोड़ा बड़ा रखते हुए काट किया, क्योंकि थोड़ा बड़ा रखते हुए कट करने से सिलाने में बहुत ही आसानी होता है इसलिए। तो आप लोग भी चाहे तो मेरी तरह इस तरह से बड़ा रख कर काट सकती है मेन फैब्रिक को। और अभी कट करूँगी स्लीव। तो जो स्लीव है वो भी कटिंग करना हो गया और मैं आ गया मशीन पे। तो एक एक पार्ट चेक करते हुए सिलाना है। अभी दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है, रखते हुए एक एक पार्ट सिलाना है। और जो मैंने अस्तर का फैब्रिक कटिंग किया है वो अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाना है, मेन फैब्रिक में नहीं। तो अस्तर के किनारे किनारे पे मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से जुड़ लिया है। तो ये पार्ट को भी अभी इस तरह से जॉइन कर लूँगी मेन फैब्रिक के साथ, एक एक पार्ट। आप लोग बने रहिए वीडियो का लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। और कैसे आप लोग फिनिशिंग से ब्लाउज रेडी कर सकती है वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये पार्ट भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ जोड़ दिया है। तो हो गया। अभी स्लीव को भी इस तरह से सिलाऊंगी। तो स्लीव का जो फ्रंट पार्ट है इस तरह से दोनों को रखते हुए चेक करते हुए सिलाना है। तो स्लीव मैंने इस तरह से रख दिया और एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद उल्टा रखते हुए और जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें और एक सिलाई डाल दिया। अभी इसको दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। अभी राउंड करते हुए स्लीव का जो शेप है इस तरह से अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे सिलाई डाल दूंगी। तो ये स्लीव में भी इसी तरह से सिलाई कर लूंगी। आप लोग स्लीव देख के उसके बाद सिलाना, नहीं तो जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड में हो जाती है और जो बैक साइड है वो फ्रंट साइड में हो जाती है कभी कभी। इसलिए हमेशा ही चेक करके उसके बाद स्लीव सिलाना, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो मेरा दोनों स्लीव सिलाना कंप्लीट हो गया है। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को भी इस तरह से चेक करते हुए सिलाऊंगी एक एक पार्ट। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो बैक नेक है वो दोनों नेक में इस तरह से अस्तर की फैब्रिक में मेन फैब्रिक को जोड़ लूँगी। तो एक एक पार्ट मैंने जोड़ दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक काट करना नहीं है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग दिखा रही हूँ और टीचिंग भी दिखाऊँगी,
तो इसी तरह से कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो जो आपका ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा, कभी भी झूल भी नहीं आएगा और लूज भी नहीं होगा। कभी कभी बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, जो प्रिंसेस कट का शेप है वो अच्छा नहीं होती है, तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो जो शेप है प्रिंसेस कट का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने आप लोग देख सकती हो जो एक एक पार्ट है वो इस तरह से मेन फैब्रिक को काट कर लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया, और ये है एक एक फैब्रिक। अभी ये दोनों को इस तरह से रखते हुए एक एक पार्ट में ज्वाइन करूंगी, और ये जो एक एक पार्ट है वो इस तरह से दोनों पार्ट को धीरे धीरे रखना है, और धीरे धीरे करते हुए दोनों पार्ट को इस तरह से दोनों हाथों से रखते हुए जोड़ लेना है। दोनों पार्टों को इस तरह से रखते हुए जोड़ लेना है। तो आप लोग देख सकती हो दोनों पार्ट कितनी बराबरी से हो गया है और उसका शेप भी बहुत ही अच्छा आई है। नहीं तो बहुत लोगों का कंप्लेंट आता है कि जो प्रिंसेस कट का फ्रंट साइड में शेप है वो अच्छा नहीं होता है, जो फ्रंट पार्ट में ऊपर उठ जाती है। तो इस तरह से आप लोग कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो वो सामने से कभी उठेगा नहीं, मतलब बहुत ही फिनिशिंग से फिटिंग होगा। तो आप लोग देख सकती हो दोनों जो शेप है वो कितना अच्छा आई है। अभी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए। तो मैंने 1 इंच का इस तरह से अस्तर का फैब्रिक काट कर लिया था, तो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो गले का शेप है शेप की जैसे इस तरह से सिलाऊंगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है, इस तरह से प्लेट डालते हुए सिलाएंगे तो जो ब्लाउज का नेक है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी उसको उल्टा करते हुए और एक सिलाई डाल दिया मैंने नेक पे, और ये देख सकती हो जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अभी नीचे से भी और एक पट्टी लगा लूंगी इस तरह से 1 इंच का। अभी उसको इस तरह से उल्टा रखते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें एक सिलाई डाल देना है। अभी इसको उस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो आप लोग देख सकती हो जो फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट का वो रेडी हो गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट में इस तरह से टेकिंग दूंगी साइड में 2 इंच छोड़ते हुए फोल्ड टू फोल्ड करते हुए टेकिंग देना है, और टेकिंग का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकती है। और ये है हुक पट्टी, तो हुक पट्टी का जो फैब्रिक है वो मैंने 4 इंच रखा था। अभी उसको उल्टा करते हुए और एक सिलाई डाल दिया। अभी इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। अभी जो नेक है नेक में भी जो फ्रंट साइड में नेक में लगाया था एक्स्ट्रा फैब्रिक जैसे लगाया था, तो बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वैसे ही लगाऊंगी। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए एक सिलाई कर दिया, बैक साइड में छोटा छोटा काट भी लगा दिया है मैंने, और जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें और एक सिलाई भी डाल दिया ताकि जो बैक साइड का गले का फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए, और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो हो गया है, आप लोग देख सकते हो जो बैक नेक है कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। तो अभी ये नेक और ये पार्ट में भी 2 इंच रखते हुए टेकिंग दे दूंगी, मतलब 2 इंच रखते हुए मैंने फोल्ड कर लिया 2 फोल्ड, उसके बाद टेकिंग का दे दिया। अभी इसमें भी हुक पट्टी लगाऊंगी, जो हुक पट्टी की घर होता है वो, और हुक पट्टी का
चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच और उसको उल्टा रखते हुए जो पार्ट है वो उल्टा रखते हुए मैंने सिलाई किया। आप लोग ये जो हुक पट्टी है वो ध्यान से सिलाना, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाती है तो बैक साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया और एक सिलाई डाल दिया, अभी इसमें ब्लाउज का हुक का घर होगा। अभी जो बैक पार्ट में नेक में छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई किया था ना, वैसे ही ये नेक में भी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। छोटा छोटा कट भी कर रही हूँ। इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मेरा हो गया, आप लोग देख सकते हो। अभी नीचे में भी इस तरह से एक पट्टी लगा लूंगी। उसको फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने दोनों पार्टों में नीचे पट्टी लगा लिया है और दोनों पार्ट आप लोग देख सकते हो कितनी मतलब बराबर से रेडी हो गया है। जो नेक है वो कितने फिनिशिंग से रेडी हो गया है और जो हुक साइड में मैंने पिन लगा लिया है छोटा सा, और जो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट में दोनों रखते हुए अभी शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ। तो शोल्डर में इस तरह से मैंने दो दो सिलाई डाल दूंगी। आप लोग चाहे तो सिंगल सिलाई भी डाल सकती है, तो मैंने दो सिलाई डाल दिया। तो मेरा शोल्डर सिलाना कंप्लीट हो गया। अभी साइड से भी इस तरह से दोनों पार्टों को रखते हुए एक एक सिलाई डाल दूंगी। ये जो फिटिंग का सिलाई नहीं है ऐसे एक सिलाई डाल दिया, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी इस तरह से कट कर लूँगी। अभी उसको उल्टा कर लूँगी। अभी स्लिप अटैच करूँगी, तो स्लिप के लिए भी फोल्ड कर लिया, टू फोल्ड कर लिया और मिडिल में एक छोटा सा कट कर लिया। अभी ये पार्ट को भी जो शोल्डर है शोल्डर की मिडिल से स्लिप ज्वाइन करना है। इस तरह से आप लोग स्लिप ज्वाइन करेंगे तो स्लिप कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही फिनिशिंग से स्लिप रेडी हो जाएगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, स्लिप छोटा हो जाती है बड़ा हो जाती है फिनिशिंग से नहीं होता है। तो आप लोग जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर है शोल्डर की मिडिल से स्लिप ज्वाइन करना, इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो आपका स्लिप परफेक्ट होते सिलाई हो जाएगा। तो स्लीव है, एक स्लीव लगाना हो गया। अभी नेक्स्ट स्लीव भी इसी तरह से लगाऊंगी। मिडिल में एक कट कर लिया, अभी शोल्डर की मिडिल से इस तरह से ज्वाइन करना है। इसी तरह से मैंने स्लीव को ज्वाइन कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों स्लिप लगा लिया है। अभी फिटिंग के लिए सिलाई डालूंगी, तो फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग कर लिया इस तरह से, और मुहूरी है 5 इंच उसको भी इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। मार्किंग कर दिया, अभी सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने एक एक सिलाई डाल दिया दोनों में। और साइड में एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया, और बैक साइड में डोरी भी लगाऊंगी, इसलिए जो शोल्डर है शोल्डर की 2 इंच नीचे पे डोरी लगाना है। आप लोग हमेशा ही 2 इंच नीचे डोरी लगाना, तो सही से
रेडी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो डोरी पे मैंने डिज़ाइन भी रख दिया है इस तरह से। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने हुक भी लगा लिया है। और आप लोग देख सकती हो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए है ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये है बैक पार्ट, जो बैक पार्ट है वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लटकन मैंने बना दिया है बैक साइड का, आप लोग देख सकती हो। और ये है फ्रंट साइड, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।